ओम नमः शिवाय। 33,000 हिंदू धर्म देवी देवताओं को याद कीजिए और अपने माता पिता की सेवा कीजिए, वो ये सब कुछ धन और दौलत है। ओम नमः शिवाय हमेशा के लिए याद रखिए, क्योंकि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के अंदर बहुत पावरफुल है और मंगल भावना गीत भी हमेशा के लिए जीना सीखिए। हे प्रभु हम पर कृपा की मधुर मंगल छाव हो, जिंदगी हो खूबसूरत, खूबसूरत भाव हो, प्रेम ही हो पंत अपना प्रेम ही भगवान हो, प्रेम की राहों से सारे विश्व का कल्याण हो, माता पिता भाई बहन इनसे हमें अनुराग हो, माता पिता भाई बहनों से बहुत बहुत प्यार हो, प्रेम से जीना सिखा दो, एक साथ रहना सिखा दो, किसी का भी अलग अलग घर नहीं करना सिखा दो, एक घर के अंदर रहेंगे बहुत खुशी से परिवार जीने वाले हैं, माता पिता भाई बहन इनसे हमें अनुराग हो, इनके लिए बलिदान हो और स्वार्थों का त्याग हो, ऐसे अपने भाई और बहनों माता और पिताओं की सेवा कीजिए और आप जिंदगी के अंदर हमेशा के लिए सफल हो सकते हैं। आजकल ये साला लाइफ स्टाइल सब लोग बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि ये हिंदुओं का ये लाइफ स्टाइल नहीं है, हिंदुओं का ये संस्कार है। उसका बाप कैसा था, उसका दादा कैसा, आजकल वो सभी लोग भूल चुके हैं, क्योंकि उसका बाप का नाम था उसको मिट्टी में मिलाने के लिए। आजकल ये लाइफ स्टाइल के चक्कर में सब लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और ऐश मौज कर रहे हैं, और इसको अभी तो टाइम चालू हुआ है और इस लोगों का अंत भी जल्दी ही होने वाला है, क्योंकि अभी ये नॉर्मल समय नहीं है, अभी ये कलयुग का समय। कलयुग बुजुर्ग लोग बोलते थे एक दिन ऐसा कलयुग दिन आएगा, भाई से भाई नहीं बोलेगा, बहन से बहन नहीं बोलेगा, पिता से बेटा नहीं बोलेगा, माँ से बेटी नहीं बोलेगी। जो समय अभी आ गया है और आप ये लाइफ स्टाइल के चक्कर में आपके खुद को शरीर आप नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि आजकल अब आपके खुद के शरीर को नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल के चक्कर में आपको बर्बाद करने के लिए आप लाइन के अंदर रेडी रहना। माता पिता भाई बहन इनसे हमें अनुराग हो, इनके लिए बलिदान हो और स्वार्थों का त्याग हो। स्वार्थी इंसान कभी भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो इंसान स्वार्थी बनता है वो कभी भी नहीं अच्छी सोच रख सकता है। दोस्तों से दोस्ती हो, दुश्मनों पर रहम हो, दूसरों की मदद करना हम सभी का धर्म हो, क्योंकि हम हिंदू धर्म में जाट समाज के अंदर हमने जन्म लिया है। हमारा जाट समाज बहुत बड़ा है, भारत के अंदर जाट समाज सबसे बड़ा है, और जो कौन भी ऐसा ज़्यादा बोलते हैं उसके अंदर हिम्मत हो तो जाट से बात करके देखिए। और आजकल ये जाट जाट करके जाटों का नाम खराब करने के लिए आजकल ऐसे ढोंगी लोग हैं, उसको ऐसे बोल देता हूँ, उसको चेतावनी दे देता हूँ, जो ऐसे ढोंगी लोग किसान का नाम लेकर के आंदोलन करके जाट बनकर ऐसे आते हैं उसको चेतावनी देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे परिवार को भी तुमने बेच लिया है और तुमने जाति भी जोर से बोल दिया है। थोड़ा भी इज्जत और शर्म रखा करो, आपको शर्म नहीं है तो एक आपकी हथेली में बूंद भर पानी लेकर के उसको नाक के अंदर डाल के मर चुको, क्योंकि ऐसी जिंदगी अपने धर्म को भी आपने धर्म का भी दुरुपयोग करके आप ऐसे ही जाट समाज भर के आप दुरुपयोग ऐसा मत कीजिए। अपने अपने धर्मों का पालन कीजिए, जो भी हैं अपने अपने धर्मों का पालन कीजिए, वही सब कुछ आपका धर्म है। दोस्तों से दोस्ती हो, दुश्मनों पर रहम हो, दूसरों की मदद करना हम सभी का हिंदू धर्म हो, क्योंकि हम एक
हिंदू है। देश पर हो ना नाज हमको देश पर कुर्बान हो, देश का गौरव बढ़े ऐसे हमारे काम हो, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। स्वच्छ भारत अभियान के अंदर भी हमने वीडियो बना चुके हैं, क्योंकि जैसे हम बीज बोएंगे वैसा ही आपको फल मिलने वाला है। काम करते जाइए आपको फल मिलने वाला है। जो इंसान काम करता है उसका फल कौन भी नहीं चुरा सकता है। जो जिसके किस्मत में लिखा है वो उसको मिलने वाला है, उसका वो धन कौन भी छू भी नहीं सकता है। देश पर हो नाच हमको देश पर कुर्बान हो, देश का गौरव बढ़े ऐसे हमारे काम हो, सोच ऐसी हो हमारी सब सुखी संसार हो, देवताओं का हमारा आचरण व्यवहार हो। रूपाराम भवलाल यूट्यूब, हम ऐसे जिए जो बाद में भी याद हो, त्याग तप के तेज से सारी जमीन आजाद हो। हम हमेशा के लिए बोलते हैं प्रेम प्यार से मिठास से बोलिए, मुंह पर मिठास रखना चाहिए, पेट को थोड़ा खाली रखना चाहिए और पांव को हमेशा के लिए गर्म रखना चाहिए। ज़िंदगी किसी को दोबारा मिलने वाली नहीं है, माता पिता की सेवा हमेशा के लिए करनी चाहिए और अपने अपने धर्मों का पालन कीजिए। जाट समाज चने सब मेरे भाई और बहनों को मैं आपको एक विनती करता हूँ, प्रेम से जीना सीखिए। जो आपने 2300 2400 किलोमीटर राजस्थान से उधर से इधर आए हैं, आप प्रेम से जीना सीखिए और अपने पैसे के लालच में कभी भी मत आना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा माता पिता भाई बहन वही आपके सुख दुख में काम आने वाला है। पैसा चाहे यदि आपने करोड़ों भी पैसा कमा लिया, छोटी सी कोई एक बीमारी लगी, डॉक्टरों के चक्कर में आप घूम घूम करके आपके करोड़ों पैसा भी मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं तो बचेगा परिवार, नहीं बचेगा पैसा। इसलिए लालच के अंदर कभी भी मत जिए, संस्कार के अंदर जल्दी से जल्दी जीना सीख लीजिए। इसलिए मैंने सोच समझ कर ये जाट समाज का नाम रोशन करने के लिए ये यूट्यूब चैनल रूपाराम भवलाल चैनल इसलिए बनाया, क्योंकि मेरा भी नाम होना चाहिए और मेरे पिता का भी नाम होना चाहिए। क्योंकि ये नाम कोई पिक्चर का रखना, जो इंसान 300-400 रुपये दे करके एक पिक्चर देखते हैं 3 घंटे